फाइनली सुंबल तौकीर खान के नए प्रोजेक्ट की एक वीडियो यानी कि एक फोटो सामने आ गई है, जिसमें सुंबल तौकीर खान रिकॉर्डिंग करते हुए नजर आ रही हैं। एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं सुंबल। आपको बता दें, आज सुंबल का इंटरव्यू भी रिलीज हुआ है, उसमें भी सुंबल ने काफ़ी कुछ बातें कही हैं अपने म्यूजिक वीडियो साजिशें को लेकर, और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी सुंबल ने बहुत बातचीत की है। मैं आपको बताता हूँ कि आज एक तस्वीर सुंबल की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। देखिए, सुंबल के फैंस हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, चाहे उनका कोई भी प्रोजेक्ट हो, उनका म्यूज़िक वीडियो हो, उनका डांस हो, उनकी एक्टिंग हो, या फिर उनके कोई भी प्रोजेक्ट हो। फैंस हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि सुंबल का एक नया प्रोजेक्ट, उन्हें एक नए अवतार में सुंबल नज़र आने वाली हैं। आप देखिए, आप जानते ही हैं कि एक नए सीरियल में नज़र आने वाली हैं सुंबल, जिसमें वो एक IPS ऑफिसर का किरदार निभाने वाली हैं, काव्या का किरदार वो निभाने वाली हैं। अब उसी की ही रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी है सुंबल ने। जी हाँ, अब सुंबल एक नए प्रोजेक्ट में नज़र आने वाली हैं जल्दी ही। और जिस हिसाब से सुंबल देखिए एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स रिलीज़ कर रही हैं, उस हिसाब से तो बहुत जल्दी सुंबल हमें एक किसी नई फिल्म में भी डेफिनेटली हो सकता है कि हमें दिख जाएं। और कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी कि अगर सुंबल एक नई फिल्म में हमें नज़र आने वाली हैं, क्योंकि सुंबल हैं ही ऐसी। सुंबल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, फैंस के बीच सुंबल का बोलबाला रहता है और फैंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं सुंबल तौकीर खान को। और अब देखिए, एक नई पिक्चर के साथ, आपको बता दूँ इसके साथ ही सुंबल की डांस क्लासरूम की जो एक वीडियो है, वो खुद सुंबल ने शेयर की है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। उनके डांस रूम की भी एक पूरी वीडियो प्रॉपरली शूट करके सुंबल ने दिखाया है, जिसमें उनकी बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, अवार्ड्स उनके दिख रहे हैं, सर्टिफिकेट नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, ऑल एंड ऑल सुंबल जो हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस कर रही हैं अपने करियर में, और करेंगी भी, क्योंकि इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी ज़्यादा कला दी है भगवान ने, इतनी कला से नवाजा है उन्हें कि देखिए ये चीज़ें करना तो लाजमी है। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। प्रियंका चहल चौधरी का नया गाना आ रहा है। जी हाँ, प्रियंका का एक नया प्रोजेक्ट फाइनली फैंस के सामने रिलीज होने वाला है। फाइनली फैंस को प्रियंका चहल चौधरी डांस करते हुए नजर आएंगी। देखिए, प्रियंका बहुत समय से डांस क्लासेस ले रही हैं, बहुत समय से वो फिटनेस और हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, और अब आखिरकार प्रियंका चहल चौधरी हमें एक नए प्रोजेक्ट में नज़र आने वाली हैं। देखिए, उनका नया म्यूज़िक वीडियो बारिश आ गई है रिलीज़ होने वाला है, 27 को रिलीज़ होने वाला है इसी मंथ में, और इसी के चलते प्रियंका बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और प्रियंका के साथ साथ एक्साइटेड हैं उनके सारे फैंस। आपको बता दूं, प्रियंका जब से बिग बॉस 16 से बाहर आई हैं, तब से फैंस उनके प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके म्यूज़िक वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, और अब फाइनली वो घड़ी आने वाली है जब प्रियंका एक नए म्यूज़िक वीडियो में नज़र आने वाली हैं। आपको बता दूँ, प्रतीक्षा श्रीवास्तव ने ये गाना है, और फीमेल वॉइस के अंदर ये गाना होगा, और प्रियंका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आने वाली हैं। एक पोस्टर इस गाने का रिलीज़ किया गया है, आज प्रियंका ने ही अपने सोशल मीडिया पर इसको रिलीज़ किया है। आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम पर जब से प्रियंका ने रिलीज़ किया है, तब से इस पोस्टर को बहुत ही ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं अब तक, और साथ ही साथ इस पोस्टर को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से शेयर भी किया जा रहा है। और आपको बता दें, फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रियंका के नए गाने के लिए, क्योंकि जब से बिग बॉस 16 से वो बाहर आई थी, तब से उनका कोई भी एक नया जो म्यूज़िक वीडियो हम कहते हैं, जैसे वो रिलीज़ नहीं हुआ था, तो फाइनली अब वो होने जा रहा है, और उसके लिए फैंस तो बहुत एक्साइटेड हैं ही। साथ ही साथ प्रियंका के जितनी भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जितने भी उनके चाहने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसमें अंकित गुप्ता का नाम भी आता है। जी हाँ, अंकित भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और अंकित ने भी देखिए इस पोस्टर को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जारी की है। अंकित ने लाइक किया है इस पोस्टर को, हालांकि अभी तक उन्होंने शेयर तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लाइक किया है, यानी कि अंकित भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रियंका के नए म्यूज़िक वीडियो के लिए। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।
बिग बॉस ओटीटी 2 के घर से फलकनाज इविक्ट हो गई, ये तो आप सभी जानते ही हैं। देखिए इविक्शन के बाद अब फलकनाज के इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। फलकनाज ने इंटरव्यूज दिए हैं अपने इविक्शन के बाद, और देखिए उन्होंने हर कंटेस्टेंट के ऊपर बात की है, साथ ही साथ उन्होंने अपने इविक्शन पर भी बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने इविक्शन को लेकर कहा कि मेरे को जनता ने इविक्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली मलाल है एक मन में। अगर मैं जनता द्वारा इविक्ट की जाती कम वोटों के बेसिस पर तो मुझे इतना मलाल नहीं रहता, लेकिन क्योंकि हाउसमेट्स ने मुझे निकाला है, और हाउसमेट्स ने मुझे इसलिए निकाला है क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थी, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, बस इसी के चलते जो हाउसमेट्स थे उन्होंने इविक्ट किया है मुझे और घर से बेघर कर दिया है। साथ ही साथ इस इंटरव्यू में उन्होंने अभिषेक मल्हान, अल्विश यादव और अविनाश सचदेव को लेकर भी काफ़ी बातचीत की। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए फलकनाज ने अपने इविक्शन के इंटरव्यूज़ में काफ़ी कुछ बातें की हैं। अविनाश सचदेव से उनके जो र्यूमर्स थे लिंकअप के, उनको लेकर उन्होंने कहा कि अविनाश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो दोस्त ही रहेंगे, घर के बाहर भी जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ डेफिनेटली कंटिन्यू रखना चाहूँगी अपने बॉन्ड को। उनके साथ साथ जिया शंकर के साथ भी कंटिन्यू रख पाऊँगी अपने बॉन्ड को और उनसे भी बातचीत लगातार करती रहूँगी, लेकिन इन दोनों के अलावा घर में कोई भी उन्हें रियल नहीं लगता है। उनका कहना है कि इन दोनों के अलावा बाकी सब फेक कर रहे हैं, बाकी सबके दो चेहरे हैं वहाँ पर, और चाहे अभिषेक मल्हान हो, चाहे मनीषा रानी हो, चाहे अल्विश हो, हर कोई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बातें बोलता है और चीज़ें बोलता है। तो देखिए कोई भी रियल नहीं है फलकनाज के अकॉर्डिंग, और सब के सब वहाँ पर फेक आउट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अल्विश यादव को कहा कि अल्विश यादव बहुत ही जेन्युइन इंसान हैं, जेन्युइन पर्सन हैं, बहुत ही शरीफ हैं, लेकिन कभी कभी वो बोलते हुए ध्यान नहीं रखते हैं कि वो क्या चीज़ें बोल देते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। तो देखिए बहुत सारी बातें कहीं फलकनाज ने अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मैं जात से भी अपने जो संबंध है वैसे ही रखूंगी, वो जब बाहर आएंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूंगी, सायरस सर से भी मैं मुलाकात करूंगी। ऑल इन ऑल फलकनाज ने बहुत सारी बातें करी हैं। अभिषेक मल्हान के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि अभिषेक मेरे अच्छे फ्रेंड बन चुके थे, हम काफ़ी मस्ती करते थे, लेकिन अभिषेक भी कभी कभी फेक हो जाते हैं, कभी कभी रियल नहीं रह पाते हैं वो भी। और मनीषा के बारे में भी उनका कुछ ऐसा ही मानना रहा था। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। तस्वीर सामने आई है, जी हाँ, आयशा सिंह देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अभिनेत्री हैं, फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आयशा को। और देखिए आयशा ने जब से गुम ही किसी के प्यार में को क्विट किया था, उसके बाद से ही फैंस उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्दे पर। फैंस चाहते हैं कि जल्द से जल्द आयशा अब छोटे पर्दे पर वापसी करें एक नए प्रोजेक्ट के साथ। अब देखिए उनका एक नया प्रोजेक्ट तो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि आयशा की एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप देखिए आयशा की तस्वीर वायरल हो रही है, और आयशा की ये तस्वीर उन्हें फिर से उनके पुराने सीरियल गुम है किसी के प्यार में से लिंक कर देती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए आयशा सिंह ने जब से गुम क्विट किया है, फैंस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन्हें। हाल ही में गुम ही किसी के प्यार में के सेट को फिर से उन्होंने रिविज़िट किया था, फिर से विज़िट किया था, और किशोरी मैम और जितने भी उनकी कास्ट एंड क्रू के मेंबर्स थे जिनसे उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनसे मुलाकात की थी आयशा ने। मैंने एक खबर भी इस पर बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनकी कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी किशोरी जी से इंटरैक्ट करते हुए, क्योंकि किशोरी जी ने कंटिन्यू रखा है लीव के बाद भी शो में काम करना। तो देखिए किशोरी जी से मुलाकात जब उन्होंने की थी तो मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, और साथ ही साथ उस पर एक वीडियो भी बनाया था। अब मैं आपको बता दूं कि आयशा सिंह की एक और तस्वीर गुम है किसी के प्यार में के सेट से ही वायरल हो रही है, जिसमें आयशा ने सेम ड्रेस पहनी हुई है और आयशा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। देखिए वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पहले से ही हैं, और इस तस्वीर में आयशा बहुत ही ज़्यादा बला की खूबसूरत लग रही हैं। फैंस बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का, और आपको बता दूँ कि उनके इस तस्वीर को भी बहुत ही ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आयशा ने इस सेट को फिर से रिविज़िट
रिविजिट करके अपनी यादों को ताज़ा किया है। आपको बता दूं, अब आयशा को बहुत समय हो गया है, अब करीबन एक महीना हो चुका है उन्हें गुम है किसी के प्यार में के सेट को छोड़े हुए। तो जब उन्होंने दोबारा से विज़िट किया तब वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई, नॉस्टैल्जिया तो उन्हें फील हुआ ही हुआ। साथ ही साथ वो देखिए गुम, जहाँ तक हमारे सोर्सेस बताते हैं, वो सेट पर जाकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और बहुत भावुक हो गई, रोने लगी आयशा, क्योंकि वो बहुत समय के बाद जा रही थी, वापसी कर रही थी उसी सेट पर। वेर लेट नाइट मूवी डेट पर गए डेजी शाह और शिव ठाकरे। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी 13 के टॉम एंड जेरी लास्ट नाइट मूवी बारबी को देख कर आए हैं। आपको बता दें 12 बजे के बाद ये मीडिया वालों के सामने आए, जब मूवी कंप्लीट हो चुकी थी, जब ये मूवी देख कर आए थे तो मीडिया वालों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और इन दोनों की स्माइल नहीं रुक रही थी, आपको बता दूं। और दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे मीडिया वालों के सामने, इनको ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर मीडिया वाले इस टाइम पर कैसे पहुंच गए, मतलब 12 बज रहे थे और डेजी शाह लगातार कह रही थी कि आप लोग घर जाइए, 12 बज गए हैं। लेकिन मीडिया वाले तो देखिए उनको आप मतलब सेलिब्रिटीज़ के इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता है और पसंद आता है। बहुत सारे फैंस ने शिव ठाकरे के साथ सेल्फी खिंचवाई, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, मतलब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बात रही, वो थी डेजी शाह और शिव ठाकरे की मुलाकात और साथ में साथ साथ मूवी देखना। दोनों एक ही कार से आए नज़र, मतलब दोनों एक ही कार से आए थे, शिव ठाकरे बगल वाली सीट पर बैठे थे जबकि डेजी शाह कार को ड्राइव कर रही थी, चला रही थी। आपको बता दें दोनों की बॉन्डिंग और इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दोनों साथ साथ मूवी डेट तो देखने आए, मूवी डेट पर तो आए, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, दोस्ती से ज़्यादा और बढ़कर अभी कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको बता दें। दोनों एक दूसरे की कंपनी को इन्जॉय करते हैं और कल ही डेजी शाह ने इंटरव्यू दिए हैं। देखिए इंटरव्यू में उनसे शिव ठाकरे के साथ डेटिंग र्यूमर्स को लेकर सवाल किया गया तो डेजी शाह ने क्लियर कर दिया कि शिव ठाकरे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं आपको बता दूं कि मेरे और शिव ठाकरे की वाइब बहुत अच्छे से मैच होती है, हम दोनों की थिंकिंग बहुत सेम है, मैं भी दूसरों को कम नहीं समझती, वो भी दूसरों को कम, बस इसी वजह से हम दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर खतरों के खिलाड़ी की जर्नी को देखें तो डेजी शाह ने कहा कि उनके वहाँ पर अंजुम फकी और शिव ठाकरे बहुत ही अच्छे दोस्त बने, क्योंकि दोनों की थिंकिंग उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मैच होती थी। और वो कहती हैं कि जब हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं तो हम किसी को भी बुरा नहीं मानता है, और आई थिंक अच्छे दोस्त होने की स्पेशलिटी वही होती है, ख़ास बात वही होती है। तो देखिए मूवी डेट पर आए दोनों के दोनों, और आपको बता दें कि जब मूवी डेट पर आए हैं तो हम कोई कैसे ना सोचे कि ये एक कपल है ना कि सिर्फ दोस्त, लेकिन जी हाँ ये सिर्फ दोस्त हैं, एटलीस्ट क्लेम तो ये यही करते हैं कि ये सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन हो सकता है एक दूसरे को और जान पहचान कर रहे हों और एक दूसरे को जानना चाह रहे हों। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। फरमान खान के रूम का आज खुलासा हो गया है, फरमान खान किस तरह के रूम में रहते हैं, देखिए उनके रूम में किस तरह से चीज़ें सजी हुई हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने चीज़ों को रखा हुआ है अपने रूम में, आज इस बात का खुलासा हो गया। उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ख़ास दोस्त तस्नीम खान ने फरमान खान के रूम के वीडियो को शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अपने सोशल मीडिया पर, जिसको फरमान खान ने रीपोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम पर। आपको बताते हैं कि उनका रूम किस तरीके से कैसे सजा रहता है, फरमान खान के रूम से अलग ही वाइब है, और जो कि तस्नीम खान ने भी कहा है। देखिए चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तस्नीम खान ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फरमान खान के रूम का एक लुक को शेयर किया है सभी फैंस के लिए, फरमान खान के फैंस के लिए। बहुत सारी तस्वीरें ऐसे लाइन में लगी हुई हैं दीवार पर पहले तो, और फिर बालकनी के एक विंडो के बगल में, विंडो के साथ ही सोफ़ा है बैठने के लिए, और जिस पर पिलो हैं, पिलो कवर्स हैं, पिलो
पर फरमान खान की आपको एक तस्वीर भी नज़र आ जाती है। कुछ इसी तरह से, इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है फरमान खान ने अपने रूम को। बहुत ही ज़्यादा अलग वाइब आ रही है फरमान के रूम से, और इस बात को खुद तस्नीम खान ने भी कबूल किया। उन्होंने कहा कि योर रूम हैज़ गॉट अ डिफरेंट वाइब, #@FarmanKhan, मतलब फरमान खान को टैग करते हुए उन्होंने इस बात का खुलासा किया। फरमान खान का रूम वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी अलग फील आ रहा था फरमान खान का। बाय द वे आपको बता दूँ, इन दिनों वो अपने शो धर्मपत्नी के शूट में दिन रात बिजी हैं। रात को शूटिंग होती है धर्मपत्नी के सेट से, वो लगातार आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस और अपने फ़ोटोज़ को, तस्वीरों को शेयर करते ही रहते हैं, चाहे वो अदिति शेट्टी के साथ हों उनकी तस्वीरें, चाहे तस्नीम खान के साथ हों। आज तो खैर उन्होंने मेघा के साथ भी अपनी एक तस्वीर जारी की, मेघा रे के साथ भी आज फरमान खान नज़र आए, उनकी एक तस्वीर नज़र आई। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कॉमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक बार फिर प्रियांकित मूवमेंट देखने को मिला है। जी हाँ, प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता, जिनको फैंस प्रियांकित बुलाते हैं, अब प्रियांकित का एक ऐसा मूवमेंट सोशल मीडिया पर कैप्चर हुआ है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा मूवमेंट नज़र आया है प्रियंका और अंकित का, जिसके बाद फैंस आर इन ऑ, मतलब फैंस जो हैं वो एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं दोनों के इस क्यूट क्यूट मोमेंट्स को देखते हुए। और दोनों के बीच में ऐसी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी प्यार भरी नोकझोंक को देखकर, प्यार भरी बातों को देखकर अब प्रियांकित के फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्या है, जिसके बाद प्रियंका और अंकित के चर्चे अब हर तरफ दोबारा से होने लगे हैं। मतलब ट्विटर पर हर ओर छाए हुए हैं दोनों के दोनों। अंकित भी आए दिन ट्रेंड रहते हैं ट्विटर पर, प्रियंका चाहर ऑन YT ये भी ट्रेंड कर रहा था, प्रियंका चाहर चौधरी #hashtag भी ट्रेंड कर रहा था, अंकित #hashtag तो देखिए पिछले इतने दिनों से ट्रेंड कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब दोनों साथ में ट्रेंड करने लगे हैं, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं और इक्वेशन दोनों की बहुत शानदार है। मतलब इवन इफ अगर वो ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं तब भी उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और तब भी ऐसा नहीं लगता है कि वो इतने दिनों से नहीं मिले हैं। कॉल पर हमेशा वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से हमेशा वो बात करते ही रहते हैं। अंकित अभी फ़िलहाल चंडीगढ़ में बिजी हैं अपने शो की शूटिंग के लिए, उनका शो जुनूनियत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी TRP चार्ट्स में। तो देखिए, अंकित गुप्ता नेहा राणा और गौतम विज का ये जो ट्राइंगल है ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ प्रियंका मुंबई में हैं और प्रियंका इन दिनों अपनी लाइफ को बस एंजॉय कर रही हैं। वो देखिए बिग बॉस 16 के बाहर से बाहर आने के बाद वो लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान रख रही हैं, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान रख रही हैं, हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रियंका चाहर चौधरी कर रही हैं। रिसेंटली अंकित गुप्ता ने एक रील डाला था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें वो नेहा राणा के साथ मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब रील में कुछ ऐसा था कि अंकित जो हैं ऐसा लग रहा था कि वो नेहा राणा को शूट कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में खुलासा हुआ कि वो ऐसे गोल गोल घूमते हुए खुद ही को सेल्फी मोड में खुद की ही वीडियो बना रहे थे, जो कि बाद में रिवील होता है, और इसी पर बेस्ड है ये रील। इसके कैप्शन में अंकित ने लिखा कि जब आप इतने टेक सेवी और इतने सोशल मीडिया सेवी नहीं होते तो आपके साथ यही होता है। देखिए, इसके बाद तो रॉफल हो गए सारे फैंस। अंकित गुप्ता की इस रील को देखने के बाद सारे फैंस एकदम रॉफल हो गए, सारे फैंस एकदम खुश हो गए और मतलब हंसी नहीं रोक पाए। और ऐसे ही इसी तरह से ही प्रियंका भी हंसी नहीं रोक पाई। प्रियंका ने भी देखिए कमेंट कर ही दिया कि कितना क्यूट है तू, इतना मतलब क्यों तू इतना क्यूट है। प्रियंका का लिटरली यही कमेंट आया कि क्यों तू इतना क्यूट है। तो देखिए इसके रिप्लाई में अंकित ने लिखा है कि मीना मैं ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में भी, विद लाफिंग इमोजीज। तो देखिए अंकित और प्रियंका का जो ये चिट वाली बातें हैं ये अभी सभी फैंस का दिल ले गई हैं।
आपको बता दें प्रियांकित फैंस बड़े खुश हैं। इससे पहले भी प्रियंका ने कमेंट किया था इससे पिछली वाले स्टोरी पर, जब नेहा राणा, गौतम विज और अंकित गुप्ता तीनों एक रील में हो, एक फ्रेम में होते हैं, उस पे भी प्रियंका चहल चौधरी का कमेंट आया। देखिए हर कमेंट, मतलब हर पिक्चर पर, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर अंकित की प्रियंका डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करती हैं। अगर कमेंट नहीं करेंगी तो लाइक तो डेफिनेटली करेंगी करी। एंड लाइकवाइज अंकित गुप्ता भी प्रियंका के हर तस्वीर को लाइक करते हैं, हर फोटो को लाइक करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट्स। अभी तो फ़िलहाल अंकित ने एक और रीसेंट पोस्ट भी डाला है जिसमें वो एक बहुत ही प्यारी वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं आपके इसके कमेंट सेक्शन में जाऊं, आपको थोड़ा सा बताऊं, तो हर कमेंट में परी के हस्बैंड जीजू, हर यू नो कमेंट में अंकित गुप्ता को प्रियंका से ही रेफ़र किया गया, प्रियंका से के साथ ही उनको जोड़ा गया है, लिंक किया गया है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि फैंस प्रियंकित को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आई थिंक वही रीज़न है जो ये हमेशा ट्रेंड पर भी बने रहते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। बहुत सारे फैंस देखिए मुझसे ये पूछ रहे थे, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ फैंस के, बहुत सारे सुम्बुल के फैंस, सुमित के फैंस, और बहुत सारे व्यूअर्स ऑडियंस जानना चाह रही है कि सुम्बुल तौकीर खान और सुमित मुद्गलकर का म्यूज़िक वीडियो साजिशें आखिर हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है। देखिए आपको इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ कि क्या कुछ अचीवमेंट लिया हुआ है और क्या कुछ ऐसा हुआ है जो कि अनयूजुअल है, थोड़ा सा वियर्ड है और थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था। मतलब चलिए इस वीडियो में आपको पूरे डाउट्स आपके क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए सुम्बुल और सुमित का गाना 3 दिन पहले रिलीज़ हुआ है, थर्सडे को वो गाना रिलीज़ हुआ है, फ्राइडे सैटरडे संडे, आज 4th दिन है जब गाना रिलीज़ हुआ है। अगर आप 3 दिन के आंकड़े को देखेंगे, 3 दिन के नंबर को देखेंगे, तो 1 मिलियन ऑलमोस्ट हिट कर चुका है सुम्बुल का गाना। अभी फ़िलहाल एट 897K, यानी कि 8 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 9 लाख पहुंच चुका है। अब सिर्फ 1 लाख बचा है, 1 मिलियन गाना हो जाएगा, और 3 दिन पहले ये गाना रिलीज़ हुआ था। अब अगर देखा जाए तो हम दूसरे म्यूज़िक वीडियो के से अगर कंपेयर करें, दूसरे म्यूज़िक वीडियो से अगर कंपेयर करें, नो डाउट इस गाने को बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया गया, बहुत हाइप क्रिएट की गई इस गाने को लेकर, ट्रेंड्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। और जैसे म्यूज़िक वीडियो दूसरे रिलीज़ होते हैं, ऑर्डिनरी रिलीज़ होते हैं, वैसे ये रिलीज़ नहीं हुआ। दूसरे म्यूज़िक वीडियो से बहुत ऑर्डिनरी रूप से तौर से रिलीज़ कर दिए जाते हैं कि चलिए कर दिए रिलीज़, और आपको पता चलता है कि फिर वो हिट हुए या फ्लॉप हुए। बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ आए हैं, हिना के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, हिना खान की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा हर किसी के म्यूज़िक वीडियोस जो हैं वो आए हैं, और पता भी नहीं चला है वो कब आकर रिलीज़ हो गए हैं। लेकिन सुम्बुल का म्यूज़िक वीडियो साजिशें अलग लेवल पर लॉन्च हुआ, अलग लेवल पर रिलीज़ हुआ, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़े से कम व्यूज़ हैं, लेकिन बाकी के म्यूज़िक वीडियोस के कंपैरिजन में अब तक 1 मिलियन ये गाना क्रॉस कर चुका है। बाकी इतनी आसानी से 1 मिलियन इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सुम्बुल के लिए, ये बहुत बड़ी बात है सुमित के लिए, और सुम्बुल के सारे फैंस के लिए भी एक्चुअली, क्योंकि दूसरे म्यूज़िक वीडियोज़ से अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर तो सुम्बुल का गाना बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है रिज़ल्ट गाने का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। सुम्बुल ने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने फैंस को शुक्रिया अदा भी किया कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स और इतना प्यार उनके गाने को मिल रहा है, सुमेध और उनके गाने को इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, तो देखिए वो चीज़ हुआ। लेकिन अगर हम दूसरों के कंपैरिजन करेंगे, दूसरों के मतलब एज़ कम्पेयर टू
दूसरों के म्यूज़िक वीडियोस लॉन्च किस तरीके से होते हैं और सुम्बुल का किस तरीके से हुआ है, तो उस केस में व्यूज़ थोड़े से कम है। मुझे लगता है कि अभी तक अगर इतने बड़े लेवल का मैसिव अगर इतना लॉन्च हुआ था गाना, तो फिर 4 या 5 मिलियन अब तक चले जाना चाहिए था, चलिए 2 मिलियन चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 मिलियन हुआ है गाना, ऑलमोस्ट 1 मिलियन हुआ है। और ब्लॉकबस्टर हिट अगर तो नहीं कहेंगे, लेकिन आई थिंक हिट ज़रूर साबित हुआ है। ओवरऑल अगर मैं रैंक करूँगा, ओवरऑल अगर मैं डिफ़ाइन करूँगा, तो सुम्बुल का गाना हिट ज़रूर रहा है फॉर श्योर, क्योंकि दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरों के म्यूज़िक वीडियोस के कंपैरिजन में सुम्बुल का गाना बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑडियंस ने बहुत अच्छा पसंद किया और साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी लाइक किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैंस हैं सुम्बुल के जो इतना गाना हाइप्ड हुआ और इतना सारी चीज़ें हुई। इवन आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा सुम्बुल के फैंस ही नहीं बल्कि न्यूट्रल ऑडियंस ने भी पसंद किया, न्यूट्रल ऑडियंस ने भी बहुत प्यार, बेशुमार प्यार दिया सुम्बुल को, और आई थिंक उसका नतीजा है कि गाना अब हिट है और आप गाने को डेफिनेटली हिट तो कह ही सकते हैं। बाकी बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। प्रियंका चहल चौधरी ने एक और इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं एक और माइलस्टोन अब प्रियंका के नाम हो चुका है। प्रियंका चहल चौधरी जब से बिग बॉस 16 से आई हैं, तब से वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं। देखिए प्रियंका फैंस की चहेती हैं, मतलब चहेती अगर मैं कहूँ तो लिटरली वो फैंस की चहेती हैं। बहुत सारे प्यार, फैंस उनको प्यार करते हैं, और जिसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक अवार्ड्स को प्रियंका अपने नाम कर रही है। अब एक और अवार्ड प्रियंका ने अपने नाम किया है। जी हाँ, प्रियंका चहल चौधरी को एक और अवार्ड से नवाजा गया है। अब किस चीज़ के लिए उन्हें अवार्ड मिला है, चलिए अब इसको वीडियो में आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए प्रियंका चहल चौधरी के बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे फैंस हैं। अब बिग बॉस 16 से पहले भी जब वो डारियां कर रही थी तेजो संधो के किरदार में, उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इवन आज तक उनको तेजो के नाम से लोग पहचानते हैं, घर घर में उनकी पहचान है एज तेजो संधो। और उनके और अंकित की जोड़ी यानी फतेजो की जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। अब प्रियंका चहल चौधरी को मिड डे शोबिज की तरफ से एक बहुत ही शानदार अवार्ड दिया गया है, जिसकी तस्वीर खुद प्रियंका चहल चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पब्लिश की है, अपलोड की है, और सभी फैंस के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर की है। जी हाँ, ये गुड न्यूज़ है प्रियंका के लिए, ये गुड न्यूज़ है प्रियंका के सभी फैंस के लिए। अब मिड डे शोबिज ने उन्हें किस लिए अवार्ड दिया है, तो मिड डे शोबिज ने उन्हें अवार्ड दिया है फॉर द बेस्ट एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी। मतलब डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी, टीवी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन की है लोगों को, बहुत सारे फैंस जो उनसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि अब मिड डे शोबिज की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है और प्रियंका को ये अवार्ड दिया गया है, प्रियंका को इस अवार्ड से नवाजा गया है। डेफिनेटली प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश हैं इस अवार्ड को पाकर। आपको बता दें इन दिनों वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही हैं, अपने भाई के साथ, चाहे वो लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो और साथ साथ में म्यूज़िक सुनना हो, या फिर वो अपने ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करना और अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है, कैसे फिट रखना है, फिटनेस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं प्रियंका, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब तारीफ़ के लायक है ये चीज़। और प्रियंका को देखिए ऐसे ही थोड़ी ना फिर अवार्ड पे अवार्ड मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली कुछ तो बात है उनमें जो वो जो उनको हर किसी से अलग बनाती है, हर किसी से जुदा बनाती है। तो देखिए डेफिनेटली प्रियंका चहल चौधरी बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली सेलिब्रिटी हैं, पर्सनालिटी हैं। अब देखना होगा कि प्रियंका जल्द से जल्द टीवी स्क्रीन्स पर कब वापसी करते हैं, क्योंकि उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।